गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में। और खास प्रोग्राम में आज मैं बात करूंगी टीजर माई नेम इज रागा को लेकर। जी हाँ, ये जो टीजर रिलीज हुआ है, ये जो फिल्म आने वाली है बहुत जल्द, लेकिन रिलीजिंग डेट का अभी कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जिस तरह से बातें उठ रही हैं, क्योंकि इस फिल्म को, ये फिल्म राहुल गांधी की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसमें इंदिरा गांधी यानी देश की पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता यानी कि राजीव गांधी और उनकी पूरी ज़िंदगी पर आधारित है। इस फिल्म का जो टीज़र रिलीज हुआ है, वो टीज़र जितनी ड्यूरेशन में है यानी 4 मिनट 3 सेकंड का टीज़र है, और जिसमें पूरी तरह से बातों को पिरोया गया है, दिखाया गया है बचपन से लेकर राहुल गांधी जब जवानी में कदम रखते हैं और फिर किस तरह से उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिलती है। इसमें लोगों को एक्ट दिया गया है, जो आर्टिस्ट इसमें नज़र आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामी नज़र आ रही है। और आपको बता दूं मैं कि स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन जो किया है वो रुपेश पॉल ने किया है। अश्विनी कुमार जो है वो भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी की, और हिम्मत कपाडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन कुल मिलाकर जो आर्टिस्ट इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जो रोल अदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस रोल में जम नहीं रहे हैं। बारे में जो अहम जानकारी है वो मेरी सहयोगी तृप्ति देंगी, जो कि एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट हैं। तृप्ति, आपका बहुत स्वागत है। ये जिस तरह से मैंने टीज़र देखा, टीज़र 4 मिनट 3 सेकंड का, लेकिन मैंने आज तक कभी इतना लंबा टीज़र नहीं देखा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं टीज़र को लेकर, मैंने खुद भी पूरा टीज़र देखा है। और जो फैंस रिएक्शन सोशल मीडिया पर आज के दौर पर कहते हैं कि कोई भी टीज़र या फिल्म, पहले ही रिएक्शन सामने आ जाता है, और प्रमोशंस का जरिया सोशल मीडिया आज के टाइम पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अभी तक इसको लेकर जो रिव्यू आया है, कहा जा रहा है यही कि टीज़र बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और कमज़ोर बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म है। ट्रेलर 4 मिनट का होता है, तो आपने ट्रेलर से पहले टीज़र को इतना लंबा सामने लिया है। वहीं आपको बताना चाहूँगी कि टीज़र में कहानी जितनी दिखाई गई है कि राहुल गांधी को लेकर कहानी दिखाई गई है, लेकिन इसमें इमोशंस जुड़ाव कुछ ज़्यादा दिखाया गया है। अगर रियल लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी की बायोपिक है यहाँ जहाँ तक बात हो रही है, लेकिन अगर डायरेक्टर की बात करें, जो टीज़र के माई नेम इज़ रागा जो फिल्म आ रही है, इसके डायरेक्टर हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं वो हमेशा से विवादित फिल्मों को लेकर जाने जाते हैं। इससे पहले भी उनकी बहुत फिल्में आई हैं, कहा जाता है कि वो विवादित फिल्में, लेकिन अब राहुल गांधी की बायोपिक है, और अगर ये भी विवादों का हिस्सा बनता है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि फिल्म को फ़ायदा मिले या ना मिले। लेकिन वाकई आपने डायरेक्टर की बात की है, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के रुपेश पॉल, जो कि जिन्होंने स्क्रिप्टिंग भी की है। लेकिन कुल मिला के जितना मैंने टीज़र को एनालाइज किया, जो सोशल मीडिया पर जो रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ उस टीज़र को लेकर, लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं। अगर इसके बनस्पत अगर बात करूँ, जो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी पर जो बायोपिक बन रही है, विवेक ओबराय जो एक्ट कर रहे हैं, इससे पहले द एक्सीडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया, दोनों फिल्म की अपेक्षा ये फिल्म थोड़ी सी ढीली नज़र आ रही है। हालांकि फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जैसा टीज़र में नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो रोल, जो इसमें स्टार कास्ट है, वो भी बिल्कुल बेदम नज़र आए। चाहे इंदिरा गांधी के रोल की बात की जाए, सोनिया गांधी के रोल की बात की जाए, राजीव गांधी के रोल की बात की जाए, या खुद राहुल गांधी जो कि जवानी के रोल में नज़र आ रहे हैं, जो कि अश्विनी कुमार ने निभाया है, वो भी कुछ एकदम नज़र नहीं आ रहा कि वो उनके लिए ही रोल बना था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जितने भी अहम भूमिका जितने लोगों की है, यानी कि जो रियल किरदार से इसमें, जैसे राहुल गांधी हुए और प्राइम मिनिस्टर से लेकर इसमें नरेंद्र मोदी के किरदार में भी जो नज़र आए हैं, बिल्कुल नए लोग कह सकते हैं, या फिर इनका मतलब बड़ी फिल्मों में उन्हें नहीं देखा गया। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो किरदार निभा रहे हैं, अनुपम खेर के भाई हैं। ऐसे में अनुपम खेर अगर होते हैं तो वही बात बहुत बड़ी हो जाती, क्योंकि अभी तो कुछ दिनों पहले उनकी फिल्म सामने आई है। वहीं एक बात और नोटिस करने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा है कि इसकी फिल्म को अप्रैल में रिलीज की जा सकती है, ये खबर आई है। लोकसभा चुनाव के बीच में फिल्म रिलीज हो सकती है। बिल्कुल ये खबर आई है कि उस टाइम पे रिलीज की जाएगी। ऐसे में ट्रेलर में, अभी टीजर में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया जिससे विवाद खड़ा हो। तो ऐसे अगर ट्रेलर लाया जाएगा, तो मुझे लगता है ट्रेलर से बहुत सारी चीजें सुलझ जाएगी। आखिर क्यों इतना लॉन्ग टीजर लाया गया है, क्योंकि ट्रेलर बोलते हैं ना, फिल्म की पूरी कहानी अगर जाननी है तो ट्रेलर का इंतजार करो।
कि आप इस चीज को अच्छा, मतलब डायरेक्टर जो है इसकी तृप्ति वो है रुपेश पॉल, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी क्या रहा है उनका बैकग्राउंड और क्या उनकी ये फिल्म, ये जो टीजर अभी आई जो फिल्म लाने वाले हैं रागा, क्या इतनी सफल हो सकती है, क्या लगता है आपको टीजर देखकर? देखिए बॉलीवुड फिल्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के दिन में भी अगर बात किया जाए तो जहाँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है और तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री, लेकिन बॉलीवुड के मुकाबले अभी ये सब इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई है। और मैं आपको बता दूँ, रुपेश पॉल जो है वो मलयालम डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, और मलयालम फिल्म को लेकर वो हमेशा विवादों में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद का फ़ायदा तो फिल्म को मिलता है। इससे पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद हुआ और उसका फ़ायदा बहुत हद तक उससे मिला, रिस्पॉन्स भी अच्छा इस फिल्म को लेकर, लेकिन उस टाइम पे ठाकरे फिल्म रिलीज हुई, ठाकरे को और भी ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो जरूरी नहीं कि विवाद की वजह से फिल्म बहुत जाते जाते। बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जितने भी इसमें रोल नजर आ, भी मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा, कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया पे मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो रोल निभा रहे हैं वो रोल उसमें उनके जज नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कि फिल्म जिस तरह से रिव्यूज सोशल मीडिया पे लोगों के सामने आए, वो रिलीजिंग से पहले ही बता रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या फ्लॉप हो सकती है? देखिए, आपको मैं इसका जवाब देना चाहूंगी टीजर का याद दिलाकर। टीजर का जो लास्ट एंडिंग है इसमें, इसमें एक फीमेल की एंट्री होती है और वो राहुल गांधी को लेकर कहती है कि इसलिए मैं आपके आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आपका इतना मजाक बनाया गया लेकिन आपने फिर भी सबको जवाब दिया और फिर भी आप लीड करते आए हैं, जिससे ये पूरा का पूरा सस्पेंस बन जाता है कि क्योंकि इसमें कोई हर कोई जानता है कि राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता है और उनके जो कैरेक्टर है रियल लाइफ में भी वैसे ही कैरेक्टर है उनके। उन्होंने इसमें दादी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, जैसे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से ज़्यादा उनका जुड़ाव इसमें दिख रहा है इंदिरा गांधी के साथ, क्योंकि टीजर में उन्हें दिखाया गया है इंदिरा गांधी का चले जाना, उसके बाद उनका सदमे में होना, डरना अपनी ज़िंदगी को लेकर, पिता से सवाल पूछना, जिससे कहीं ना इनका पॉलिटिकल छवि भी नहीं दिख रहा है इसमें, पूरे टीजर दिखाया जा रहा है इमोशनल उनकी जर्नी। टीजर में पूरी चीज़ से बयान करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सस्पेंस बनाया गया है टीजर में और ट्रेलर के। जाते में क्या लगता है कि ये फिल्म, जैसे कि बहुत सी फिल्में रिलीज हो रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले, ठाकरे हो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो, नरेंद्र मोदी, देखिए बहुत मोदी, ये फिल्म कितना रिस्पांस कर सकती है आपको क्या लगता है? देखिए उनसे हम कह नहीं सकते लेकिन फिर भी क्या लगता है? देखिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इस फिल्म की, इसलिए क्योंकि जो टाइमिंग है ना फिल्म की रिलीजिंग की, ये बताया जा रहा अभी था कि अप्रैल में रिलीज करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कहानी पर बनी फिल्म, वो भी चुनाव के टाइम पे फिल्म का रिलीज होना, इससे काफी हद तक चांसेस है कि फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उभर के सामने आए। जो फिल्म रिलीज होगी माय नेम इज रागा, जो कि राहुल गांधी की जिंदगी पर बनी है, और ऐसे में अब देखना होगा, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि अप्रैल में इस फिल्म के रिलीज होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन अब देखना होगा, हो सकता है कि मार्च, एंड ऑफ मार्च, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल भी रिलीज हो सकती है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर जैसे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ठाकरे फिल्म रिलीज हुई, अब देखना है कि इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर रिव्यूज तो कहीं ना कहीं फिल्म जो इसमें जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पर खड़े साबित नहीं हो रहे। फिलहाल अब फिल्म रिलीज होगी तब हम बता पाएंगे कि आखिर दर्शकों ने इस फिल्म पर क्या राय दी है। तो दर्शकों आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, तृप्ति।